नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार मीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे थोड़ा लैपटॉप ऑन करने में थोड़ा 5 मिनट लगेगा, मैं मोबाइल से जुड़ा हूं। तो मैं सभी लोगों को यहां इनवाइट करता हूं, हम लोग अभी संभाषण शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर रमेश गौतम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करके बात करिए। सर, डॉक्टर रमेश गौतम जी कैसे हैं सर? हाँ जी सर, प्रणाम सर। सर ठीक है सर, आप बताइए सर, ठीक हो आप? डॉक्टर सुनील आचार्य जी कैसे हैं? डॉक्टर सुनील आचार्य जी याद हैं आपको? और वो डॉक्टर गुरदीश कौर मैम कैसी हैं? शायद आवाज नहीं जा रही है। हाँ जी ठीक है सर, दोनों ठीक है सर, वो सब ठीक है सर। ये हाँ जी सर। और आपका प्रैक्टिस में कुछ नए पेशेंट आए तो बताइए। नए पेशेंट है सर, अभी मैं एक डायबिटीज की पेशेंट है तो उनको ट्रीटमेंट चला हुआ है सर, तो उनका उनको मैंने दिया हुआ है फलत्रिगादि कषायम दिया हुआ है और निशाकतगादि कषायम दिया हुआ है उनको और चंद्रप्रभावटी आरोग्यवर्धिनी वटी गोक्षुरादि गुगलू ये दिया हुआ है सर मैंने। तो अभी कंट्रोल है, वैसे उनकी शुगर पहले से बेटर है। रात को बार बार यूरिन आता था उनको, तो वो भी अभी बेटर हो गया है काफी उनको। तो कंडीशन काफी ठीक है सर उनकी, मतलब ओवरऑल ठीक है उनकी। तो अभी थोड़ी शुगर उनकी 200 तक अभी आ रही थी, वैसे उनकी 250 से ऊपर थी, तो उससे काफी फर्क है। ये अभी शुरू किया है सर उनका, जो नया पेशेंट है। जी सर, थैंक यू आपका। एक डॉक्टर सोनिशा मैम, आप कैसी हैं? अगर आप सुन पा रही हैं तो आप बताइए, आयुष दर्पण पे आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सोनी मैम, शायद मैम सुन नहीं पा रही हैं। डॉक्टर सोनिशा मैम, डॉक्टर नलिनी मैम, हाँ नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आज दर्पण पे आने के बाद। मैम बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस लगता है और दिन का शुरुआत अच्छी होती है, पूरा दिन ऐसा लगता है कुछ अचीव किया है। थैंक यू सो मच। आप बताते रहिएगा हमें और क्या करना चाहिए, आप अपना गाइडेंस देते रहिएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर नलिनी मैम, आपकी बेटी कैसी है? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम, कैसी है आपकी बेटी? हाँ अभी अच्छे, पूरी तरह ठीक हो गई। एक बार बात करवाएंगे क्या उनसे? सर अभी बाहर गई है सर वो। अच्छा, मतलब अभी उनका तबियत ठीक हो गया ना पूरा? हाँ पूरा ठीक हो गया, उसको खाली फीवर ही था सर, बाकी कोई सिम्टम्स नहीं थे। आपने कहा था ना डर और टेंशन स्ट्रेस कुछ तो था। हाँ मतलब वो तो टेंशन था थोड़ा, फिर हम लोगों ने भी टेस्ट किया, दोनों का निगेटिव आया था, बेटे का और मेरा। अच्छा। और मुझे थ्रोट इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया था। अच्छा, तो अभी आपकी बेटी का निगेटिव आ गया कोरोना ओमिक्रॉन? टेस्ट नहीं कराया सर, ओमिक्रॉन ही था तो मैंने फिर दोबारा टेस्ट नहीं कराया सर।
मतलब ठीक है ना, ये जरूरी हाँ, है। पूरी तरह रिकवर हो गई। जी हाँ चलिए, भगवान के आशीर्वाद है कि सब अच्छा हो गया। सर, सर आपका थैंक यू, आपका और आप थैंक यू। मंगला मैम को जानती होंगी, वो आपकी बहुत तारीफ करती हैं। हाँ मंगला मेरे फ्रेंड है ना सर, बेस्ट फ्रेंड है, हाँ हम बहुत तारीफ दोनों करती हैं। बैचमेट है। हाँ और आपको मालूम है वो कितना अच्छा अच्छा भजन वगैरह गाती हैं यहाँ आज हाँ दर्पण हाँ पे। हाँ सर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जी सर, हाँ थैंक यू सर। डॉक्टर एकता मैम आप कैसी हैं? एकता मैम कुछ बोलूंगी प्रणाम आज? आप ठीक हैं? आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ सर। हाँ जी सर, अपना ख्याल रखिए। ठीक ठीक हूँ मैं। हाँ जी, हाँ है, जी ठीक है। सर, ऑल द डॉक्टर बेस्ट। शशि, थैंक यू। डॉक्टर शशि तिवारी मैम आपका तबीयत कैसा है? अरे शशि मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद रोटी बना रही हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। एक्चुअल अनम्यूट करने में मेरे को टाइम लगा, मेरी तबीयत तो भी ठीक है, गॉड और आप ग्रेस। बहुत दिन के बाद बोल रही हैं शायद, आपकी आवाज बहुत दिन के बाद सुनाई दे रही हाँ सर, नॉर्मली जैसे मैं किचन में होती हूँ या बच्चे मेरे पास होते तो ये लोग आवाज करते रहते तो अच्छा नहीं लगता है। अभी मैंने इनको मना किया कि ये लोग अलमीरा पीटना शुरू कर दिए थे, मतलब इनको पता है कि मना किया कि ये काम नहीं करना तो पक्का करो। है। छोटे हैं ना, 4 साल का 2 साल के। आप एक मिनट बात करते हैं। जी सर,